ये कहानी भारतीय क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी की है। उनके पिता एक निजी कंपनी में चौकीदार थे। बेटे को सेना की वर्दी में देश की सेवा करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन बेटे का मन बचपन से ही क्रिकेट के मैदान में लगता था। कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इस खिलाड़ी ने भी छोटी उम्र में ही दिखा दिया कि वो लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन फिर आता है साल 2005, एक हादसा, और जिस खिलाड़ी ने क्रिकेट के अलावा अपने जीवन में कुछ और सोचा ही नहीं, वो क्रिकेट को पूरी तरह से छोड़ने का मन बना लेता है। क्या था वो हादसा और कैसे कि रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट के मैदान पर वापसी, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शिवेंद्र और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। रविंद्र जडेजा की कहानी इसलिए क्योंकि आज यानी 6 दिसंबर 2022 को सर जडेजा अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के जामनगर में एक साधारण परिवार में जन्मे जडेजा के पिता चौकीदार की नौकरी करते थे और माँ घरेलू महिला थी। जडेजा का सपना देश के लिए क्रिकेट खेलने का था और उनको माँ का पूरा समर्थन था। जिंदगी और तैयारी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसी बीच साल 2005 में एक सड़क दुर्घटना में जडेजा अपनी माँ को खो बैठे। माँ के निधन से जडेजा ऐसे टूटे कि क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया। जडेजा सदमे में थे और उनकी यह हालत उनकी बड़ी बहन को मंजूर नहीं थी। बहन ने जडेजा को फिर से क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए प्रेरित किया और उनकी मदद की कोच ने। मैदान पर जडेजा का ये दूसरा जीवन था। वे फिर से मैदान पर उतरे और अपना जलवा बिखेर दिया। जडेजा ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके दम पर आईपीएल में खेलने का मौका मिला। आईपीएल में उन्होंने अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग से धूम मचा दी। पूरे देश में जडेजा को उनके नाम से जाना जाने लगा। जडेजा ने जूनियर क्रिकेट में भी अपना जलवा बिखेरा और वह साल 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। टीम की जीत में अहम योगदान देने वाले जडेजा को उपकप्तान भी बनाया गया था। साल 2009 में जडेजा को भारतीय टीम में शामिल किया गया। हालांकि अपने क्रिकेट करियर के शुरुआती 4 सालों में जडेजा कुछ खास नहीं कर पाए। टीम में उनकी जगह पर भी चर्चा होने लगी, लेकिन इंग्लैंड में 2013 में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए और गोल्डन बॉल जीती। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जडेजा आज भारत की टेस्ट, वनडे और T20 टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके बगैर टीम इंडिया की कल्पना करना मुश्किल हो जाती है। जडेजा ने फरवरी 2009 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। इसी महीने श्रीलंका के खिलाफ ही जडेजा ने अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला और साल 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। रविंद्र जडेजा भारत के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड है। साल 2013 में रविंद्र जडेजा ने वनडे क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाजी रैंकिंग हासिल की। 738 अंक हासिल करके उन्होंने टॉप रैंक हासिल की थी और दिग्गज अनिल कुंबले के बाद ऐसा करने वाले वह केवल दूसरे भारतीय बने थे। फिलहाल चोट के चलते टीम इंडिया से रविंद्र जडेजा बाहर हैं, लेकिन उनके जल्दी ही ठीक होने की उम्मीद है और आशा है कि एक बार फिर जब जडेजा क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे तो वो शानदार होगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।